गुड आफ्टरनून आनंद जी, मैं स्वागत करता हूं आपका कॉलेज दुनिया के इस इंटरव्यू प्रोसेस में। क्वेश्चन लेने से पहले सर, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। धन्यवाद। मैं आनंद श्रीवास्तव और मैं अभी KSBM में कुर्ती स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। सर, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सर, इस कॉलेज के फैकल्टी होने के नाते आपके बच्चों के प्रति क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? हमारा जो मेन फोकस होता है एक फैकल्टी होने के नाते, और हम सारे फैकल्टी यही कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो बच्चे जो हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग कमिटेड हैं। फैकल्टी होने के नाते हमारी जो पहली प्राथमिकता है कि हम अपने बच्चों को उनके कैरियर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी हमारी तरफ से सहयोग हो सकता है वो हम उनको प्रोवाइड करें। बच्चे जो हैं वो अभी अपने कैरियर के बिगिनिंग स्टेज पर हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनके लिए जो भी वो एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर एकेडमिक उनका डेवलपमेंट हो या फिर प्रैक्टिकल उनका डेवलपमेंट हो, तो एक ओवरऑल सपोर्ट हम देने की कोशिश करते हैं और उनको मार्केट के लिए रेडी बनाने की हमारी पूरी कोशिश होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। सर, आप अपने फेलो फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो कॉलेज का प्रीमाइसेस है वो नो डाउट हमारा पूरा फोकस तो यही होता है कि हम यहाँ एक अच्छा टीचिंग और लर्निंग का एनवायरनमेंट यहाँ पे बना सके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम बच्चों को क्लासरूम के अंदर बिठाकर सिर्फ अगर हम उनको टीच ही करेंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात सोचना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करें कि बच्चे जो है वो एज अ टीचर हमसे जो गाइडेंस है वो तो हमसे लें, लेकिन अगर उनको ज़रूरत हो तो हमसे एक मेंटर की तरह या हमसे एक बड़े अपने परिवार के सदस्य की तरह अगर ज़रूरत हो तो हमसे खुलकर भी बातचीत कर सके और उनकी जो भी समस्याएं हैं जो हम अपने लेवल पर अगर कुछ उनका सॉल्यूशन करने में कंट्रीब्यूट कर सके तो हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगला सवाल सर, सर आप अपने सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे लाते हैं और उसको इंडस्ट्री के साथ ओरिएंट कैसे कर पाते हैं? कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय मैं हूँ। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का फैकल्टी होने के नाते कम से कम मुझे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है या मिलती रही है कि मैं अपने बच्चों को जो भी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ या उनको जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके साथ साथ मुझे उन्हें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके भी दिखाना होता है। तो जो भी हम यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं और बच्चे जो लर्निंग कर रहे हैं तो वो थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों पर बैलेंस्ड होता है। तो नो डाउट हम बच्चों को प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे बच्चे जो हैं वो आने वाले समय पर मार्केट के हिसाब से वो प्रैक्टिकली साउंड हो जाएं और उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। सर, आप कृति कॉलेज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या देखते हैं और उस स्ट्रेंथ को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? मेरे विचार से मैं तो अपने कॉलेज का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही मानूंगा कि हम अपने बच्चों के लिए चाहे वो उनका एकेडमिक डेवलपमेंट हो या फिर उनका मैं कहूँ ओवरऑल डेवलपमेंट हो उसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं और हम उनको सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं रखते हैं। अपने बच्चों को हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि उनके आने वाले समय पर जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को कैसे वो हैंडल करेंगे उसके लिए हम उन्हें तैयार करने के लिए हमेशा डेडिकेटेड हैं और कमिटेड हैं। सर, आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सर अपने स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनका कैरियर भी एक सक्सेसफुल हो आगे चल के?
मेरा तो सिर्फ यही सजेशन है कि ईमानदारी हमेशा काम में होनी चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब एज ए स्टूडेंट अगर हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, या फिर मैं खुद अपने लिए कहूँ कि अगर मैं एज अ टीचर अभी सर्व कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे को अपने काम के लिए ईमानदार होना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए कि और आसपास क्या चल रहा है, ताकि मैं बाकी लोगों से कॉम्पीट कर सकूँ। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।